आज हमारे साथ है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंचन अवस्थी जी, जो कि हमारे ही शहर लखनऊ से हैं। तो हम उनके भविष्य के विषय में, करियर के विषय में कुछ जानकारी उनसे प्राप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कंचन अवस्थी जी का लखनऊ से लेके मुंबई तक का सफर कैसा रहा। नमस्कार, मैं हूँ कंचन अवस्थी और जैसा कि आपने कहा हमारे शहर से, तो बिल्कुल सही बात है। और मैं इसी शहर लखनऊ की रहने वाली हूँ और जब भी आती हूँ तो इतना सारा प्यार जो आप लोगों से मिलता है, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और जर्नी की बात करें तो मैं जब लखनऊ से मुंबई गई थी, मुझे लगता है मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट वही था, लखनऊ से मुंबई जाना, क्योंकि आज जैसी स्थितियाँ हैं शायद 4-5 साल पहले ऐसा नहीं था। तो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट जर्नी वही थी, लखनऊ से मुंबई तक का सफ़र। बट हाँ, इतने सालों में मैंने ये ज़रूर सीखा है कि जो मैं कर रही हूँ और जितना डेडिकेशन के साथ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी मैं लखनऊ आती हूँ शूटिंग के लिए या अपने किसी काम से, तो अपने शहर वालों से इतना जो प्यार मिलता है, मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छी जर्नी है अभी तक की। मुंबई में काफ़ी सारा काम कर रही हूँ, काफ़ी कुछ कर रही हूँ, काफ़ी सारी वेब सीरीज की है मैंने। कोई एक चर्चित किरदार आपका हो जिसे आप हमें, हमारे दर्शकों को बता सकते? मैं ज़रूर बताऊँगी। मैंने जी टीवी का एक शो किया था जिसका नाम अम्मा था, मैंने 2017 में शुरू किया था। उसमें मैंने शबाना आज़मी मैम के साथ स्क्रीन शेयर किया था। मतलब मैं आपको बताऊँ, जब मैं यहाँ थिएटर करती थी 4-5 साल पहले, तो मुझे लगता था कब मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा। और जब मुझे वो सीरियल मिला, मैंने ऑडिशन किया, 2-3 बार ऑडिशन हुआ मेरा, 3rd टाइम में फाइनल हुआ। उसमें मैंने सरला का किरदार निभाया। अच्छा। तो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया और मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया। तो जो मुझे लगता था ना कि मैं कभी उनके साथ स्क्रीन शेयर करूँगी, और वो मेरा लाइक यादगार पल है। और मुझे लगता है सबने उसे, सरला को बहुत बेहद प्यार दिया। तो आपके करियर की आगे जो भविष्य आपका, उसकी क्या क्या योजनाएं हैं, उसके विषय में कुछ जानकारी? भविष्य की योजनाएं, ओके, भविष्य की योजनाएं ऐसी हैं कि अभी तक मैंने जो भी किया, मेरी कोई योजना नहीं थी। मैं सच बताऊं, फ्रेंकली बोलूं, मेरी कोई योजना नहीं थी, क्योंकि प्लानिंग मेरी कभी सक्सेसफुल होती नहीं है। बस जो मेरा सफ़र था लखनऊ से मुंबई तक का, जो मैंने बताया आपको, बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन योजना जैसा कुछ नहीं है, बस जो आता गया मैं करती गई। कभी मैंने ये नहीं कहा मुझे ये नहीं करना, वो मुझे वेब सीरीज़ मिली, मुझे सीरियल मिला, मुझे फिल्में मिली। मैं अभी फिल्में कर रही हूँ, 2 फिल्में हिंदी हैं, 2 साउथ की फिल्में हैं। तो कभी मैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मैं थिएटर से हूँ, मैं हर चीज़ ट्राई करूँगी। तो क्योंकि लखनऊ शहर से ही मैंने थिएटर किया है, तो मैंने कहा कभी मैं इस चीज़ पे नहीं कि मुझे वेब सीरीज़ नहीं करना है, मुझे फिल्म नहीं करना है। तो मैंने सारी चीज़ों पे ट्राई किया और अभी भी मैं वेब सीरीज़ भी कर रही हूँ, फिल्म भी कर रही हूँ, और थिएटर से तो बेहद प्यार है ही है। तो कंचन जी, हमें कुछ जानकारी ऐसी मिली कि आपने यहाँ लखनऊ से भरकंडे से विशारद भी कर रखा है सिंगिंग में। बिल्कुल सही जानकारी मिली है। और आपको बताओ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, उसके साथ साथ मेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि तुम जो है संगीत भी सीखो, क्योंकि मेरा जो घर का माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो थोड़ा सा म्यूजिकल है। मतलब तो मतलब कला से जुड़े रहने वाले लोग हैं सब लोग। और मैं क्या बोलती थी कि नहीं नहीं, मेरी साइंस की पढ़ाई है, मैंने साइंस से बल किया। तो मैंने कहा नहीं, मैं संगीत में नहीं जाऊँगी, मैं पढ़ूँगी और BSc करूँगी, MSc करूँगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं। वो मैंने कहा ना, कभी भी योजना नहीं बना रही, इसलिए अभी मैं तो फिर मैंने ग्रेजुएशन जब स्टार्ट किया, तो मुझे याद है मेरे पापा ने एडमिशन करवाया भातखंडे, आपको पता होगा भातखंडे कॉलेज। तो वो भातखंडे से मैंने विशारद किया शास्त्रीय संगीत में। तो बस विशारद कर पाई, उसके आगे भी करना था, लेकिन तब तक मैं बॉम्बे पहुंच गई, मुंबई फिर नहीं, आगे नहीं कंटिन्यू कर पाई। पर हाँ, संगीत से बेहद लगाव है। और आपके फैंस के लिए आपकी कोई एक बात जो फैंस को आप कहना चाहें, अपने चाहने वाले को कहना चाहें? बिल्कुल, मैं अपने फैंस को और अपने चाहने वालों को यही कहना चाहूँगी। एक बहुत अच्छा सा सवाल मुझे किसी ने किया था, मुझे याद आ रहा है कि यंगस्टर्स के लिए आपका क्या, आप क्या एडवाइस करोगे? तो मैंने यही बोला, जो लोग अभी आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो हमारी बात की जनरेशन आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। लोगों को क्या लगता है कि हम एक साल पहुँचे बॉम्बे, दूसरे साल हम यू नो फिल्में मिल जाएंगे, बट इतना आसान नहीं है।
आसान तो कोई भी फील्ड नहीं है, बट ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मुझे लगता है मैं अपने यंगस्टर्स को, अपने फैंस को, जो हमारी जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें और जिस भी फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे अभिनय का फील्ड हो, चाहे संगीत का हो, चाहे कोई भी हो एक्सपेंसर, अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए। तो जो कॉन्फिडेंस आप लेके आते हो ना, फिर आपको कोई भी नहीं कर सकता। तो यही है, और मेरे सभी चाहने वालों से है इसी तरह से मुझसे जुड़े रहें और इसी तरह से मुझे ढेर सारा प्यार देते रहें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।